राजसमंद जिले से ये उदय जी हमारे साथ हैं। उदय जी के साथ एक घटना भी हुई है। उदय सिंह जी की वाइफ का स्टार्वेशन, भूखमरी की शिकार हुई है। ये आज से एक महीने पहले उनके पास चूंकि कुछ खाने को नहीं था, भूख से उनकी मौत हो गई है। हम जानेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने उनकी कोई मदद की, उनको राशन मिलता था या नहीं, या क्यों हो रहा है। आप इनसे जरा पूछिए कि इनको राशन कितने दिनों से नहीं मिला और क्या हुआ, कितने दिन भूखी रही जिसके कारण इनकी पत्नी की डेथ। उदय, आप राशन कितना दिन नहीं मिलियो गौ को? तो गौ लान आया कि हाँ मैं दरा आया, लेकिन कितना दिन तक नहीं मिलियो? पहले हमारे 6-8 दिन उन्हें मिल गया, 15 दिन तो पहले खा गया। हाँ तो कितना महीनों का गेहूँ एक साथ दीदा? अब 2 महीनों में दीदा, 2 महीने का। हाँ वे 20 किलो ना वो 25 किलो। 2 महीने का गेहूँ आया। हाँ जी, के पहले कितना दिन तक घर में धान को नहीं हो? भाई 3 दिन में घर को नहीं हो भाई, धान 3 दिन बिल्कुल नहीं हो। हाँ बिल्कुल नहीं। वी टाइम में कहीं की दो बचा हुआ आटो आटो लाया बचा हुआ नचा रंजा अड़ोसी पड़ोसी लाया। हाँ उनसे मिल गया बस बड़ा मतलब भाई था देव तक नहीं रहे थोड़ा पास दे। इन्होंने कहा अड़ोसी पड़ोसी से लाए, 3 दिन तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, अड़ोसी पड़ोसी से लेके आए, फिर भुट्टे कुछ भुट्टे इसको खिलाया। ये परिवार बहुत पीड़ित परिवार है और इनके घर पे कुछ भी नहीं, बहुत बुरी स्थिति। इनको राशन का गेहूँ नहीं मिले तो उस घर में गेहूँ नहीं, खाना नहीं मिलेगा। पेंशन नहीं मिले तो खरीद नहीं सकते। अगर मान लो 2 रुपये किलो भी है तब भी कहाँ से खरीदेंगे जब पैसा नहीं है। तो मैं जब 26 तारीख को गया था उसमें 2 महीने का गेहूँ इसको नहीं मिला। तो मैंने कहा क्यों नहीं मिला? तो कहा डीलर ने कहा कि तुम्हारा अंगूठा नहीं आता है, और मना कर दिया तो ये वापस आ गया। उस दिन मैं डीलर के पास उसको फोन करके किसी को भेजा, मैंने कहा इसका गेहूँ क्यों नहीं दे रहे हो? उसने कहा मैंने मना नहीं किया, देव पैसे मैंने दिए, 2 महीने का गेहूँ दिलाया। तब तक मेरी डोकरी से बात हुई ये गेहूँ लेने गए, तो डोकरी ने साफ कहा कि 5 दिन से इस घर में कुछ भी नहीं है, जिनसे लाना था वो भी लिया है लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं है। और डोकरा थोड़ा बहुत भुट्टा यहाँ वहाँ से करके खा रहा है, मैं भी ऐसे ही पड़ी हूँ। तब तक वो बहुत कमजोर हो गई थी, और उस समय उसने मुझे कहा फोन नंबर दे जाओ आपके, डोकरा को संभालना, हस्बैंड भाई। अगले दिन मुझे पास 9 बजे फोन आता है कि डोकरी की डेथ हो गई। मैं गया, हाँ इनकी पत्नी चुनी भाई उसकी डेथ हो गई। तो मैंने कहा यार ये तो डेथ बिल्कुल हंगर डेथ है, क्योंकि इनके घर में कुछ था नहीं और पेंशन दी नहीं। सिस्टम की का पूरा फेल्योर इसमें दिख रहा है, जो कि हर केसेस में दिखता है कि एक औरत बिना खाए उसको राशन नहीं मिलता था, चूंकि बायोमेट्रिक स्कीम है राशन लेने के लिए, उसमें बायोमेट्रिक स्कीम में बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन में जो थंब इम्प्रेशन है, फिंगर प्रिंट्स हैं, वो मैच नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह कर उस लेडी को राशन नहीं मिलता था। जिला प्रशासन से लोग आते हैं, DSO सारे आते हैं, इसके राशन कार्ड को लेके पुरानी एंट्रियां सब भरते हैं 2016 से, और ऐसा दिखाते हैं जैसे इसको गेहूँ हर महीने मिल रहा है, इसको पेंशन हर महीने मिल रही है। ट्रेजरी से एक लिस्ट लेके आते हैं, और हमने जब पूछा मैंने कहा ये क्या है, तो ट्रेजरी वाले ने कहा हर महीने जा रही है पेंशन। तो मैंने कहा हर महीने जा रही है तो जा कर रही है, इसको क्यों नहीं मिली, चुनी भाई को क्यों नहीं मिली? तो कहा हमारे यहाँ से पोस्ट ऑफिस में गई, पोस्ट ऑफिस गई तो पोस्ट ऑफिस में उसके रजिस्टर को देखा, पोस्टमैन को, मैंने कहा रजिस्टर दिखाओ। बड़ी मुश्किल से उसने दिखाया, मैंने कहा तुम्हारे पास तूने एंट्री की? कहा एंट्री की। मैं कितने महीने की पेंशन? तो वो इसके मरने के अगले दिन जब वो टीम आती है तब 10 महीने की पेंशन एक साथ लाता है, 8 महीने की, 2 महीने की पहले बता रहा है, 8 महीने की पेंशन एक साथ लाता है, 3 महीने की एक साथ, दो फिर 3 महीने की एक साथ, और एक एक महीने के 8 महीने की पेंशन एक साथ ला के गाँव में नहीं लाता, लेकिन अपने रिकॉर्ड में ऐसे दिखाता जैसे पेंशन गई लेकिन वो तो डेथ हो गई और वो पैसा वापस जमा हो गया। 8 महीने तक उस चुनी भाई को पेंशन नहीं मिली, लास्ट के 2 महीने गेहूँ नहीं मिला। अब उसको सरकार साबित करने की कोशिश करती है कि हंगर डेथ नहीं है। अब जिला कलेक्टर से एक पत्रकार ने बात की तो कलेक्टर ने कहा उसकी डोकरी की, उसके चुनी की उसका स्वभाव बहुत खराब था, वो गालियां बकती थी, उसका वे ऑफ टॉकिंग खराब था, इसलिए किसी ने मदद नहीं की।
वो तो ऐसी थी, मैंने कहा उसका क्या लेने देना है, उसको पेंशन हर महीने नहीं मिली, उसमें उसका वे ऑफ टॉकिंग का क्या लेने देना है। आज भी उसके मकान के बाहर लिखा हुआ है 70,000 रुपए सेंक्शन और मिल गए, जबकि वो 70,000 तो मिले नहीं। आज मकान तो ऊपर से पानी भी ऊपर से गिरता है, एक छपरा डाल के रह रहे थे। इनकी वाइफ की डेथ होती है तो अगले दिन इनके बैंक अकाउंट में वो पेंशन क्रेडिट कर दिया जाता, बैंक नहीं, वो पेंशन चूंकि बैंक से नहीं पोस्ट ऑफिस से मिलती थी, तो पोस्ट ऑफिस में जो इनका अकाउंट था उसमें उनकी डेथ के नेक्स्ट डे क्रेडिट कर दिया गया और रिकॉर्ड में ये दिखा दिया गया कि सारा पेंशन टाइम से डिसबर्स हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने विड्रॉ नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि 5 दिन किसी को खाना नहीं दो तो मर जाएगा, नहीं मरेगा। अनशन में बैठते ना, अनशन में बैठते लोग, लेकिन ये तो इतनी लंबी हंगर डेथ है कि आपको रोज कुछ कम मिले। कई बार हम गए जब ये पूछते इनको खाना खाया कि नहीं, कल शाम को नहीं मिला, ऐसे चलता था, तो कभी मिला कभी नहीं मिला, कभी मिला तो क्या मिला, मतलब केवल गेहूं मिलता था ना। इनके घर में तो कुछ भी नहीं है, नमक आटा पानी, अब उसको आप क्या कहोगे। जब वो आए मेरे से तहसीलदार वगैरह आए, मेरा राशन कार्ड भी ले गए और रेशन कार्ड में जो उनको भरना था भर दिया, मुझे मालूम नहीं क्या भरा, और 2 कागज पे मेरे अंगूठे दिलवाए। पूरे राशन कार्ड में एंट्री की, पुराना भी लेके गए थे। वाइफ के डेथ के बाद उनकी जो पेंशन बैक का बैकलॉग था जो पिछले 8 महीनों से नहीं मिला था वो क्रेडिट कर दिया गया, लेकिन अब वो किसी काम का नहीं है, इसलिए कि जो बेनिफिशियरी था उसका वो बेनिफिशियरी मर चुका है, तो अल्टीमेटली वो हस्बैंड को वो अमाउंट मिलेगा नहीं, तो वो अमाउंट वापस गवर्नमेंट ट्रेजरी में चली जाएगी। इस तरह से हमारा सिस्टम काम करता है, हमारी गवर्नमेंट काम करती है। वादे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो आपको जाना पड़ेगा दूर दराज के गांव में, और ऐसी हजारों हजार कहानियां आपके सामने आएंगी।